के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 11वीं परिसर में मिले शिवलिंग का होगा वैज्ञानिक सर्वेक्षण, हाईकोर्ट ने दिया ऑर्डर। जीवनदीप स्कूल ऑफ नर्सिंग बड़ा लालपुर में नर्सिंग डे का आयोजन, विद्यार्थियों को सेवा धर्म के पालन की दिलाई गई शपथ। बीएचयू में 8 करोड़ की लागत से तैयार हुई एब्लेशन आइसोटोप अनुपात मास स्पेक्ट्रोमेट्री प्रयोगशाला। और सीबीएसई बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित, स्कूलों ने मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित शिवलिंग की साइंटिफिक जांच के आदेश दिए हैं। पिछले दिनों चर्चित ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे किए जाने का आदेश जारी किया है। साइंटिफिक सर्वे का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को करना होगा। कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना साइंटिफिक सर्वे करना है। साइंटिफिक सर्वे के जरिए यह पता लगाना होगा कि बरामद हुए कथित शिवलिंग कितना पुराना है, यह वास्तव में शिवलिंग है या कुछ और है। इस संबंध में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया कि बीते साल 16 मई को ज्ञानवापी परिसर में बरामद शिवलिंग की साइंटिफिक जांच का प्रोसेस तय करने के लिए हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला जज की कोर्ट को आदेश दिया है। इससे पहले जिला जज की कोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे के ऑर्डर की पिटीशन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इससे शिवलिंग को क्षति पहुंच सकती है। इसके बाद एएसआई ने 52 पेज की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की थी, जिसमें आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर आदि संस्थानों के एक्सपर्ट ने यह बताया कि बिना डिस्टर्ब किए शिवलिंग की जांच संभव है। इसके बाद हाई कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर वाराणसी जिला जज के ऑर्डर को रद्द करते हुए आगे कैसे सर्वे की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़े इसे लेकर गाइडलाइन तय करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज के फैसले को बदल दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र के सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कार्बन डेटिंग के जरिए कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है। इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कल ही सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। हिंदू पक्ष की महिलाओं की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में वाराणसी के जिला जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। इससे पहले पिछले साल मई महीने में कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के दौरान मस्जिद के वजू खाने से शिवलिंग बरामद हुआ था। फैसला हमारे पक्ष में नहीं मिला है, फैसला न्याय हित में मिला है। जब कमीशन के दौरान 16 मई 2022 को शिवलिंग वहां प्रकट हुए मिले, तो उसके बाद हम लोगों ने जिला कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि इसके वैज्ञानिक विधि से जांच करा ली जाए, क्योंकि विपक्षी इसको फब्बारा कह रहे हैं और फब्बारा नहीं शिवलिंग है, यह स्पष्ट हो जाएगा। जिला जज वाराणसी द्वारा प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ हम लोगों ने सिविल रिवीजन हाई कोर्ट में दाखिल किए। हाई कोर्ट ने वैज्ञानिकों को तलब करके एक रिपोर्ट मांग किया कि क्या बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए जांच संभव है। वैज्ञानिकों ने 52 पेज के पेज में अपनी रिपोर्ट को हाई कोर्ट में सबमिट किया, जिसमें उन्होंने कथन किया कि संभव है। और 11 मई 2023 को सुनवाई हुई हाई कोर्ट में। 12 मई 2023 के सुनवाई के उपरांत हाई कोर्ट ने जिला जज के पूर्व आदेश को खारिज कर दिया और एक नया आदेश देते हुए कहा कि आदेश को खारिज किया जाता है और वैज्ञानिक विशेष जांच के आदेश दिया जाता है, जिसको 22 5 2023 को जिला जज इसको सुनिश्चित करेंगे कैसे कब किया जाएगा। काफी समय से हम लोग तपस्या कर रहे थे, महादेव से ये प्रार्थना कर रहे थे कि हम लोग जो सच सामने लाना चाह रहे हैं वो सच सामने आए, क्योंकि हम लोग तो जान रहे हैं वो शिवलिंग है, हम लोग मानते हैं शिवलिंग है और ये सत्य भी है कि वो शिवलिंग है, लेकिन ये मुस्लिम पक्ष से बार बार फव्वारा बोला जा रहा था और इससे हम लोग को तकलीफ भी होता था। अब जब ये जांच हो जाएगा तो ये सत्य सामने आ जाएगा कि वो कोई फव्वारा नहीं, वो शिवलिंग है
वहाँ फौगारा का कोई अवशेष नहीं है, वो सारे शिवलिंग के ही अवशेष है। और साथ में जो वहाँ पे मलबा है और जो दीवार है वो सब हटाई जाएगी तो हमारा का जो है अर्धा भी मिलेगा, और हमें और बहुत से तथ्य मिलेंगे जिससे पता चल जाएगा कि वहाँ पे मंदिर था और वो शिवलिंग है। तो खुशी तो बहुत ज़्यादा हम लोग को इस बात की है कि एक कदम हम लोग आगे बढ़ गए हैं, और आज हम लोग को दोनों जगह से खुशी, यहाँ से भी खुशी मिली है और जिला वहाँ से हाई कोर्ट से भी मिली है। हम लोग का एक साल का तपस्या हम लोग का सम प्रसन्नता हम लोग को दिया है, और फिर सर्वे होगा, फिर बाबा मिलेंगे हम लोग को, बाबा को अपने मुक्त कराएंगे और बाबा का दर्शन पूजा भी करेंगे। सीबीएसई वर्ग के 12वीं व 10वीं के परिणाम आते ही गढ़वा घाट स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने मेधावियों को सम्मानित किया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट व बनपुरवा रमना में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 10वीं व 12वीं का परीक्षाफल 100% रहा। इन दोनों ही शाखाओं पर सफल विद्यार्थियों के चेहरे तब खिल उठे जब उन्हें अकस्मात मालूम हुआ कि आज वर्ष भर की मेहनत उनकी जिंदगी को खुशनुमा कर गई और निर्णायक जिंदगी जीने के चौराहे पर खड़ी कर गई। एक ओर नए सवेरे का सुखद एहसास तो दूसरी ओर भविष्य को संवारने का उत्साह। जिस उमंग से परिणाम जानने के लिए घर से निकले उसी प्रफुल्लता से परीक्षा फल देखते ही सभी विद्यार्थियों के मन गदगद हो गए। विद्यालय के प्रबंधक ने इस वर्ष की परीक्षा परिणाम का श्रेय विद्यालय के शिक्षकों व प्रबंध समिति के आभार व्यक्त करते हुए दिया। जिन विद्यार्थियों ने श्रेष्ठता सूची में अपना स्थान पक्का किया उन्हें अंग वस्त्र पुष्पाहार व मिष्ठान खिलाकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए शुभाशीष प्रदान किया। बनपुरवा शाखा में कक्षा 12वीं में एक ओर विज्ञान वर्ग में 96% अंक पाकर हर्षिका जायसवाल ने तो दूसरी ओर वाणिज्य वर्ग में आशुतोष यादव ने 92% अंक पाकर श्रेष्ठता हासिल की। वहीं विज्ञान वर्ग में दूसरे स्थान पर हर्षित व तीसरे स्थान पर प्रियांशु सिंह तथा वाणिज्य वर्ग में दूसरे स्थान पर हर्षित गुप्ता व तीसरे स्थान पर प्रियंका यादव ने तथा कक्षा 10वीं में 95% पाकर मानवेंद्र यादव प्रथम स्थान प्राप्त किए तथा द्वितीय स्थान पर वंशिका रस्तोगी व तृतीय स्थान पर आंचल तथा आर्यन यादव ने अपना कब्जा जमाया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर ए.के. चौबे, छात्रावास अधीक्षक M.S. यादव सहित सभी शिक्षक, शिक्षणोत्तर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित रहे। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के गढ़वा घाट शाखा में विद्यालय के कक्षा 12 के छात्र स्वप्निल त्रिपाठी ने 96.6% अंक पाकर विज्ञान संवर्ग में विज्ञान वर्ग का नाम बढ़ाया। वहीं कक्षा 10 में तन्मय चौबे ने 95.2% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। आशुतोष तिवारी द्वितीय स्थान व प्रियांशु उपाध्याय तृतीय स्थान पर रहे। भौतिकी में अधिकतम 95 अंक, हिंदी में 91 अंक, रसायन विज्ञान में 95 अंक, अंग्रेजी में 98 अंक, अकाउंटेंसी में 95, शारीरिक शिक्षा 95 अंक, जीव विज्ञान 95, कंप्यूटर 88, बिजनेस स्टडीज 98, अर्थशास्त्र 96, संगीत 100 अंक रहा। क्रमशः प्रीति, नीलू, अनन्या सिंह, श्रद्धा चौबे, निमिषा पांडे, दिशा प्रसाद, सुहानी सिंह, आर्यन सिंह ने उच्च अंक प्राप्त किया तथा कक्षा 10वीं के विज्ञान में 99 अंक, अंग्रेजी में 95 अंक, कंप्यूटर में 98 अंक, हिंदी में 94 अंक, गणित में 95 अंक तथा सोशल साइंस में 98 अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद द्वारा सभी मेधावियों को माल्यार्पण कर मुंह मीठा कराते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। उक्त अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, ए.के. सिंह, सुभाष सिंह, सुभाष यादव, रमेश पाठक, दिनेश कुमार, वी.के. श्रीवास्तव, शानु श्रीवास्तव, लक्ष्मण सिंह, योगेश राय, दीपक पांडे, जुगुल प्रसाद, सुनील तिवारी, मनीष भाटिया, अशोक यादव, M.D. मनोहर लाल, मनोज यादव, योगेंद्र सिंह, पूजा सिंह, पूजा शेर सिंह, सुनील मिश्रा इत्यादि शिक्षकगण उपस्थित थे। सीबीएसई बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परिणाम में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट और बनपुरवा शाखा का शानदार प्रदर्शन रहा। औसतन सभी विषयों का उच्चतम अंक 95 रहा। कुछ विषयों में 100 में से 100 अंक भी आए हैं। मेरा मानना है कि इसमें बच्चों की लगन, ईमानदारी और परिश्रम तथा अध्यापकों का कौशल पूरी भूमिका निभाता है। मैं सभी छात्र छात्राओं को सफलता की हार्दिक शुभकामना देता हूं
तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। देखिए, पढ़ाई के लिए तो कोई घंटे कोई निश्चित तो है नहीं। खैर, अगर आप पूछिए नहीं घंटे कितने, तो 7-8 घंटे तो करती थी। तो इसके पीछे किसका सपोर्ट था जो अंकल? इसके पीछे मेरे पेरेंट्स का, टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। मैं कभी निराश हुई तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है, और ख़ास करके स्कूल के टीचर्स का रहा है। हमेशा वो लगे रहते थे, आप ऐसे पढ़िए तो आपका ऐसे नंबर आ सकता है। उन्हीं का सपोर्ट रहा है, और मेरी मेहनत तो थी। मेरे 95.8% आया। आगे किस चीज़ की तैयारी करेंगे? आगे मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हूँ, मतलब करूँगी। वो मेरा एम है इंजीनियर बनना। एवरेज हम एक दिन में एटलीस्ट 5-6 आवर्स डेली पढ़ते थे, और सबसे ज़्यादा सहयोग तो हम बोलेंगे मेरे टीचर्स का स्कूल में, एंड स्पेशली सुभाष सर, एंड फिर मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, दैट्स वाई। आगे के लिए क्या आपने रणनीति बताई है, और किस तरह से जो है आगे तैयारी करेंगे, क्या करना चाहेंगे? आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, सो आई एम टारगेटिंग फॉर नीट। तो पहले मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहूँगी, और फिर मेरे एक एल्डेस्ट ब्रदर है उनको, एंड इसके बाद मेरे स्कूल के टीचर्स मनोज सर, अशोक सर एंड महुआ मैम। परिवार से कितना आपको सपोर्ट मिलता था इस तैयारी के लिए? पापा मम्मी हमेशा सपोर्ट करते थे, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किए, बोले पढ़ते रहो। क्या लक्ष्य है आगे? लक्ष्य हमको सब इंस्पेक्टर बनना है। CBSE की 12वीं कक्षा के रिजल्ट आने पर संबिम समूह के चेयरमैन डॉक्टर दीपक मधोक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी संबिम के छात्रों ने सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर माता पिता के साथ साथ विद्यालय का भी मान बढ़ाया। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी संबिम के छात्रों ने सभी वर्गों में श्रेष्ठता सिद्ध कर परचम लहराया। संबिम सन सिटी की श्रीप्रिया ओझा और संबिम वर्णा की अनुष्का सिन्हा 98.4% अंक के साथ संबिम शिक्षण समूह में अव्वल रही। CBSE कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम घोषित हुए। संबिम शिक्षण समूह के छात्रों ने श्रेष्ठता सूची में परचम लहराया। शुक्रवार को संबिम स्कूल के भगवानपुर शाखा में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर दीपक मधोक ने बताया कि आज CBSE बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित किए गए हैं। यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस वर्ष भी संबिम शिक्षण समूह की सभी शाखाओं के मेधावी विद्यार्थियों ने सर्वश्रेष्ठता कायम रखते हुए उत्कृष्ट अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की। संबिम विद्यालय भगवानपुर, लहतारा, वंगा एवं सन सिटी में सभी वर्गों और विषयों के छात्र छात्राओं ने सर्वोत्तम प्रदर्शन कर माता पिता के साथ विद्यालय का मान बढ़ाया है। व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो संबिम के 2 बच्चे जिन्होंने टॉप किया है, एक तो अनुष्का सिंह है और एक सन सिटी की बॉर्डर है, तो इन दोनों बच्चों का ने 98.4% इनका आया है। बहुत कठिन था इस बैच में खासकर, क्योंकि ये कोविड के दौरान क्लास 10th का एग्ज़ाम इनका नहीं हुआ था, और इनके रिजल्ट भी अगस्त में आए थे। इनका इनफैक्ट क्लास 11th इनका अगस्त 2021 में हुआ था, 2021 में, और इन्होंने मात्र 8 महीने की और 6 महीने की पढ़ाई की थी उस समय क्लास 11th। इन बच्चों का विशेष योगदान था, बड़ी कठिन परिस्थितियों में, कोविड की परिस्थितियों में ये बैच आया है, इसलिए इन सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ। सही माने में कहा गया है कि किसी भी देश का भविष्य या समाज का भविष्य उसके क्लासरूम्स में बनता है, और ये इतना महत्वपूर्ण है, क्लासेस में क्या पढ़ाई हो रही है इसको देखना, बच्चे कैसा कर रहे हैं उसका रिजल्ट देखना, उसके लिए हम लोग सब कटिबद्ध रहते हैं। सनबीम के सभी शाखाओं के बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, सबको बहुत बहुत बधाई है, सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत। मैं डेली 5-6 घंटे पढ़ाई करती थी, और फ्रेश मतलब जैसा वर्कलोड होता था उसके हिसाब से टाइम शेड्यूल करती थी। मेरे पेरेंट्स का ऑफ कोर्स, मेरे टीचर्स का और स्कूल का हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं वो लोग। उनको बस मैं यही कहूँगी कि अपने पढ़ाई और अपनी हर चीज़ को बैलेंस करके चलो, बोर्ड के प्रेशर में मत आओ, एकदम चिल होकर एग्जाम दोगे, एफर्ट्स डालोगे तो ऑफकोर्स यू विल गेट दी अचीवमेंट। आगे क्या बनना चाहिए? आगे मैंने UPSC करना है और IFS ऑफिसर के लिए सोचा है। हमारा गाइडेंस ये है कि अब जो इनके सब्जेक्ट्स थे वो जो है इन्होंने अपने स्कूल की हेल्प से और जो है पूरी तरीके से जो है टीचर्स के साथ डे टू डे बेसिस पे जो इंट्रैक्शन के साथ जो है सारी चीज़ों को निकाला है, और पढ़ने में हमने कभी रोक टोक नहीं की है। जब भी इन्होंने पढ़ाया, बस इनके जो है शेड्यूल के ऊपर हम लोग जरूर ध्यान देते थे कि ये क्या कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं किया कभी भी पढ़ाई के लिए। बहुत खुशी है, आज अच्छा लग रहा है आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने हम इस पोजिशन पर है कि हम आपको बोल पा रहे हैं, बहुत खुशी है।
मतलब ऐसा कोई फिक्स आर नहीं था, लेकिन दिन में जितना शुरू में सोच के रखते थे उतना कंप्लीट कर लेते। इसके पीछे किसका मानते हैं पूरा सहयोग है, इस परसेंटेज जो आया आपका? मेरे रिजल्ट के बीच में कई लोग का सपोर्ट है, पेरेंट्स का है, स्कूल सिस्टम का भी है, हमेशा सपोर्ट रहा है, उसी की वजह से हेल्प हुए हमको कि ऐसा परसेंटेज ला सके। आगे के लिए क्या चल रहा है, क्या बनना है? अभी आगे मेरा मतलब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम पे फोकस है, तो हम मतलब फ्यूचर में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। CBSE द्वारा कक्षा 10 का परिणाम भी घोषित हुआ, जिसमें नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के छात्रों का अंक शत प्रतिशत रहा। CBSE द्वारा कक्षा 10 का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के परिणाम शत प्रतिशत रहे। कक्षा 10 से कुमार नचिकेता 95.2% से प्रथम स्थान, कौस्तुभ मिश्रा 93.4% से द्वितीय स्थान और सुजीत कुमार यादव 91.8% से तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किए हैं। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय द्वारा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर और माल्यार्पण कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस उपलक्ष्य पर विद्यालय के प्रबंधक राजेश राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, समन्वयक अजीत वर्मा, अरुण कुमार सिंह, अनु कुमार पाठक मौजूद रहे। 5 विद्यार्थियों ने 90 से 100%, 5 विद्यार्थियों ने 80 से 90%, 19 विद्यार्थियों ने 70 से 80%, 21 विद्यार्थियों ने 60 से 70% अंक प्राप्त किए। विद्यालय का CBSE का रिजल्ट घोषित किया है, जिसमें अपने विद्यालय ने सभी बच्चों ने 100% रिजल्ट रहा है, कि उस पे प्रथम स्थान कुमार नचिकेता ने 95.2% पाकर प्रथम स्थान रहे, कौतुक मिश्रा 93.4% पाकर द्वितीय स्थान पर रहे, सुजीत कुमार यादव 91.8% पाकर तृतीय स्थान पर रहे, 90 से लेकर 100 के बीच में 5 बच्चे रहे हैं, 80 से लेकर 90 के बीच में 5 बच्चे प्रथम स्थान पर रहे हैं, 70 से लेकर 80 के बीच में 19 बच्चे स्थान प्राप्त किए हैं और 60 से लेकर 70 के बीच में 21 बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं और बच्चे सेकेंड स्थान पर रहे हैं। मैं इन सभी बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आने वाले दिनों में ये अपने उस मुकाम पर पहुंचे जो इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। मेरा 92.6% आया है। मैं नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में 13 साल से पढ़ रहा हूँ। यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, उन्हीं की बदौलत मेरा 92.6% आया है। इसी साल 10वीं की परीक्षा दी, माता सरस्वती की कृपा से मेरे 93% आए हैं और इसका मैं पूरा क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। टीचर्स की मेहनत की वजह से ही, उनकी पढ़ाई की वजह से, उनके मार्गदर्शन की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और साथ में ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई घर पर भी जरूरी है। घर पर भी पढ़ाई नहीं होगी, केवल स्कूल के भरोसे रहेंगे तो इतने परसेंटेज नहीं आ पाएंगे, घर पर भी पढ़ाई जरूरी है। आई एम स्टडिंग इन नवनीता फ्रॉम पास 16 ईयर्स एंड इट वॉज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। आई एम सेटिस्फाइड विद माई परसेंटेज एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस स्कूल। टीचर्स आर सो काइंड एंड द एनवायरनमेंट इज सो फ्रेंडली दैट वी कुड शेयर अवर पर्सनल थिंग्स विद द टीचर्स एंड दिस मच थैंक यू। नर्सिंग डे के अवसर पर जीवनदीप स्कूल ऑफ नर्सिंग पर GNM व PNM के विद्यार्थियों को सेवा धर्म के पालन की शपथ दिलाई गई। जीवनदीप स्कूल ऑफ नर्सिंग बड़ा लालपुर 12 मई शुक्रवार को नर्सिंग डे के अवसर पर GNM व PNM के विद्यार्थियों को सेवा धर्म के पालन की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागतम गीत व दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर संस्था के प्रबंधक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि नर्सिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो इंसानियत की सेवा से जुड़ा है। पीड़ित मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा है और साथ ही यह भी कहा कि नर्सिंग महज एक करियर के रूप में नहीं बल्कि आजीवन सेवा व्रत के रूप में देखा जाना जरूरी है। स्वास्थ्य महकमा का दरअसल नर्सेज ही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर स्वास्थ्य निदेशक चिकित्सा परिवार कल्याण वाराणसी मंडल डॉक्टर मंजुला सिंह ने GNM व PNM के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी संयम धैर्य और साहस के साथ ये नर्सेज ही हैं जो रोगियों में प्राण शक्ति को बढ़ाने में मदद करती हैं। कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि देश में फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर जीजी विशा के साथ डॉक्टर और नर्सेज ने काम किया वह काबिले तारीफ है। आगे चलकर इस अवसर पर पूर्व अपर स्वास्थ्य निदेशक शिक्षा व परिवार कल्याण वाराणसी डॉक्टर अंशु सिंह ने कहा कि नर्सिंग का मकसद अपने बेहतर कर्मों से मरीजों को नई जिंदगी देना है।
आप लोग अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी ईमानदारी व लगन से कार्य करें। यह भी कहा कि सदैव मानवता की सेवा और मरीजों की देखभाल करने का संदेश भी दिया। जीवनदीप स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्राचार्य सिविल केडी ने कहा कि नर्सिंग जैसा पवित्र प्रोफेशनल दूसरा कोई नहीं है। लोगों के दुखों पर मरहम लगाने का सौभाग्य नर्सिंग से जुड़े भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। उप प्राचार्य निखिल सिंह यादव ने कहा कि नर्सिंग का मूल है सेवा भाव के साथ ही समाज में उनके योगदान को हमेशा सराहा जाता है और साथ ही साथ कैंपस में बेहतर अंक अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट दिया गया। इस मौके पर अलकेश प्रताप सिंह डायरेक्टर, प्राचार्य डॉक्टर ओपी सिंह, पैरामेडिकल प्राचार्य जीवनदीप महाविद्यालय डॉक्टर इंद्रेश सिंह, साथ ही नर्सिंग के सभी शिक्षक कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित रहे। लोगों की तकलीफों को देख के जो सेवा भाव उन्होंने उठाया और वही एक एग्जाम्पल बन गए, उदाहरण के तौर पर बन गई नर्सिंग के। नर्सिंग सेवा जैसा मैडम ने अभी कहा कि नर्सिंग सेवा के बिना स्वास्थ्य विभाग में यदि कोई कार्य हो सकता है तो डॉक्टर नहीं नर्सेस स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ स्वामी हर सेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी, फोन नंबर 9554995413, जगतगंज, वाराणसी, फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी, फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र, फोन नंबर 7081109710, मरसरा, घोरावल, सोनभद्र, फोन नंबर 9554963199495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र, फोन नंबर 7081119711। स्वामी हर सेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं संस्कारशाला भी है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जीवनदीप महाविद्यालय। आई एम प्राउड ऑफ महाविद्यालय फॉर एक्सेलेंट फैकल्टी, बेस्ट सपोर्ट एंड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट प्लेस। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जीवनदीप महाविद्यालय। आई एम प्राउड ऑफ महाविद्यालय फॉर एक्सेलेंट फैकल्टी, बेस्ट सपोर्ट एंड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट प्लेस। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। दो गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। 10 मई को महिला के साथ चैन स्नैचिंग करने वाले उचक को पुलिस ने गुरुवार को नवापुरा से गिरफ्तार किया। सारनाथ पुलिस ने 10 मई को महिला माधुरी पाठक से चैन स्नैचिंग करने वाले उचक के उमेश कुमार चक्रवाल को गुरुवार को नवापुरा से गिरफ्तार कर लिया। उमेश सारनाथ थाना क्षेत्र के ही नवापुरा का निवासी है। पुलिस ने उसके पास से महिला की लूटी गई सोने की चेन बरामद कर ली है। एसीपी कैंट अतुल अंजान त्रिपाठी ने शुक्रवार को घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 10 मई को सुबह प्रशांत पाठक की माता माधुरी पाठक टहलने निकली थी। इसी दौरान बाइक सवार उचक्कों ने पता पूछने के बहाने उन्हें रोका और उनकी 10 ग्राम की सोने की चेन नोच कर भाग निकले। इस मामले में प्रशांत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूछताछ में उमेश चक्रवाल ने बताया कि वह बेरोजगार है और काम की तलाश में भटक रहा था। उसकी नई शादी हुई है, परिवार के खर्चे के लिए मुश्किलें हो रही थी। वह बेनीपुर स्थित हनुमान मंदिर अक्सर जाता था और सुबह महिलाओं को टहलते देखता था। इसके बाद उसने महिलाओं की चेन लूटने की योजना बनाई। 10 मई को वह इसी दौरान महिला की चेन नोच कर भाग निकला था। पुलिस ने सर्विलांस व सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सहायता से उसे गिरफ्तार कर लिया। मैनुअल सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इस घटना को कैद करने वाले अभियुक्त उमेश कुमार चक्रवाल को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया।
और इनसे वो जो चयन स्मृति थी उनकी घटना की गई थी वह चयन में बरामद की गई। उनका कोई आपराधिक इतिहास? अभी तक इनके में कोई आपराधिक इतिहास नहीं प्राप्त हो सका है, फिर भी हम अन्य थानों से और CCTNS के माध्यम से अन्य सभी स्रोतों के माध्यम से इनका आपराधिक इतिहास प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इनका कोई गिरोह हो? तो गिरोह ने जैसा कि प्रारंभिक पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इनकी अभी शादी हुई है और ये रोजगार इनसे छीन गया था, जिससे कि इनके जो पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति है वह उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, जिसके परिणामस्वरूप इन्होंने यह योजना बनाई कि जो सुबह जो महिलाएं जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको हम टारगेट करके आसानी से इस तरह की घटना कर सकते हैं। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में नगर निगम के अधिकारियों के साथ हर महीने की भांति इस बार भी बैठक हुई, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में अपर नगर आयुक्त सुमित के साथ हर महीने की तरह बैठक हुई। बैठक में सभी लोगों ने जो भी शहर की समस्याएं थी बताया। कहा गया कि जिस जगह पर जो यूरिनल वहां साफ सफाई नहीं रहती और कई जगहों पर टूटे हुए महिलाओं के लिए अलग से यूरिनल बनाया जाए। साथ ही G20 पर भी चर्चा हुई कि आप सभी लोग इसके लिए तैयार रहें, जिसके लिए व्यापारियों ने आश्वासन का सहयोग दिया और अधिकारियों ने कहा कि अगले महीने की बैठक में इन सब समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। बैठक में वाराणसी व्यापार मंडल के महामंत्री कविंद्र जायसवाल, संयुक्त महामंत्री मनीष गुप्ता, संजय गुप्ता, सुनील गुप्ता, चंद्र प्रकाश, रमेश पांडे, शाहिद कुरैसी, SS बहल, साजिद गुड्डू, जावेद खान, संजय जायसवाल, शिव प्रकाश, सुजीत वर्मा, पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष चांदनी श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। बुलाई गई थी G20 को लेकर, उसमें व्यापारियों का सहयोग चाहिए था, तो वही सहयोग देने के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। हाँ नहीं, उनकी समस्या थी उसको सुना गया, नोट किया गया और उसको निस्तारण के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया। एक सप्ताह में G20 के लिए क्या निर्देश दिया गया? G20 के लेके ये बताया गया कि आप लोग सहयोग प्रदान करिए, सजावट करिए, झालर लगाइए, पेंटिंग कराइए अपने घरों की, हॉर्टिकल्चर करिए, गमले लगवाइए, ताकि जो बाहर से डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको एक अच्छा मैसेज जाए। अब जो पिछले महीने G20 की बैठी उसमें व्यापारियों किस तरह का सहयोग रहा? बहुत अच्छा सहयोग रहा, उन्होंने पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया, उसके लिए हम आभारी भी हैं, आगे भी सोचते हैं कि वैसे ही सहयोग बना रहेगा। और पूरे व्यापारियों से शहर की समस्याओं को सुना और बड़े बारीकी से एक एक चीज़ों को नोट किया और पत्रक भी लिया और सारी समस्याओं का हल करने का आश्वासन भी मिला और अगली बैठक में इसको आप बताएंगे कि क्या क्या समस्या हल हुई, क्या नहीं हुई। क्या प्रमुख बातें रही उसमें? प्रमुख बातें उसमें रहीं जैसे ये मैदागिन पे कंपनी बाग में योगा की जो जगह है वो टूटी फूटी है, पांडेपुर चौराहे का है, कई जगह का नालियों का है और जैसे यूरिनल कई जगह नहीं है और यूरिनल है तो वो सफाई नहीं होती है, टूटे हुए हैं, इस तरह करके बहुत सी चीज़ों की बात हुई और सारे चीज़ों पे आश्वासन मिला। काशीन्दु विश्वविद्यालय में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से केंद्रीय अनुसंधान में साथी सेंटर की स्थापना की गई। काशीन्दु विश्वविद्यालय में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से केंद्रीय अनुसंधान में साथी सेंटर की स्थापना की गई है। इस सेंटर में विभिन्न प्रकार के परिष्कृत और तकनीकी जांच के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। साथ ही BHU के समन्वयक व BHU के विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी के कुशल मार्गदर्शन में साथी सेंटर निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। साक्षी सेंटर के लिए एबलेशन आइसोटोप अनुपात मास स्पेक्ट्रोमेट्री प्रयोगशाला में कार्यरत वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक कुमार पांडे ने बताया कि लगभग 8 करोड़ की लागत से तैयार प्रयोगशाला भारत के कुछ चुनिंदा प्रयोगशालाओं में से एक है। यहां पदार्थ के हर अवस्था जैसे ठोस, द्रव्य और गैस के नमूनों की जांच आसानी से हो जाती है। डॉक्टर विवेक कुमार पांडे ने बताया कि मनुष्यों की तरह हर पदार्थ का अपना एक निश्चित फिंगरप्रिंट होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर यहां विभिन्न नमूनों के स्थायी आइसोटोप मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व सल्फर की जांच कर उस पदार्थ की भौगोलिक उत्पत्ति का स्थान, समय, वातावरण और विभिन्न भौतिक, रासायनिक व जैविक क्रियाओं के बारे में बता सकते हैं। भविष्य में आइसोटोप फिंगरप्रिंट की मदद से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता व प्राकृतिक गंध तेल की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। फिलहाल हमारी लैब में जो एनालिसिस होती है वो जियोलॉजिकल सैंपल्स या रॉक सैंपल, जेम टेस्टिंग, ये सारे एनालिसिस हम करते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो न सिर्फ रिसर्च के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना है बल्कि इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि आज के परिवेश में हमारी इंडस्ट्रीज
टेस्टिंग या सर्टिफिकेशन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करती हैं, बट हम उस फैसिलिटी को भारत सरकार द्वारा जो ये सेंटर स्थापित किया गया है, ये सारी चीज़ें हम अपने देश में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इस लैब में हम फूड इंडस्ट्री को लेके या फिर एडल्ट्रेशन जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है उसको लेके यहाँ काम करेंगे। भविष्य में जो हमारा उद्देश्य है, हम इसको डोप टेस्टिंग के लिए भी इस लैब को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो टेस्टिंग होती है, ये जो मशीन है, इससे इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड मेथड है जिससे हम डोप टेस्टिंग करते हैं। भविष्य में ये हमारा भी उद्देश्य है कि हम BHU के अंदर इस डोप टेस्टिंग लैब की स्थापना करेंगे। वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट पर 14 मई को एक नाट्य प्रदर्शन का आयोजन होगा, जिसमें लखनऊ के प्रसिद्ध रंगमंच समूह मिशन थिएटर द्वारा भगवान शिव और माता सती के पौराणिक प्रेम कहानी का चित्रण किया जाएगा। आगामी 14 मई को रात्रि 8 बजे से वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट पर एक नाट्य प्रदर्शन का आयोजन होना तय हुआ है। लखनऊ के प्रसिद्ध रंगमंच समूह मिशा थिएटर द्वारा शिव सती नामक नाट्य प्रदर्शन, जिसमें भगवान शिव और माता सती की पौराणिक प्रेम कहानी का चित्रण किया जाएगा। इस संदर्भ में परांकर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजकों ने बताया कि शिव सती की प्राचीन कहानी का आधुनिक रूप से पुनर्विवरण होने के साथ ही प्रेम, भक्ति और त्याग के विषयों का अन्वेषण आकर्षण दृश्यों के माध्यम से किया जाएगा, जो नाट्य प्रेमियों के लिए मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव होगा। रंगमंच के क्षेत्र में मिशास थिएटर ने अल्पकाल में अपने कलाकारों और अभिनय के माध्यम से अपनी एक व्यापक पहचान स्थापित की है। मिशास थिएटर की पहली प्रस्तुति 30 जुलाई 2022 को लखनऊ में 4 से 16 वर्ष के 40 बच्चों द्वारा की गई थी। प्ले है, लाइव रहेगा और इसमें भगवान शिव और सती की जो कथा है कि वो कैसे मिले, उनका मिलन क्या हुआ, उसके बाद क्यों मिले, क्या वजह थी और किस लिए वो अलग हो गए, तो ये पूरी कथा आधारित है इसपे। और ये बच्चे कर रहे हैं, हमारे इस पूरे प्ले में जो बच्चे हैं वो 5 साल से लेके 16 साल के उम्र के बच्चे हैं। ये किस स्थान पे किया जाएगा? ये 80 घाट पे, प्रॉपर 80 घाट पे हम कर रहे हैं। वहाँ पे आरती के तुरंत बाद ही हमारा ये प्ले है। आपने काशी चुना, काशी चुनने का क्या उद्देश्य? भोलेनाथ की नगरी। इसमें किस किस तरह के कलाकार होंगे और कितने कलाकार होंगे? इसमें 40, हमारा पूरा 40 का क्रू है और इसमें आपको भगवान शिव मिलेंगे, सती मिलेंगी, शिव की भूमिका स्निग्धा कर रही है, सती की भूमिका वृतिका कर रही है और दक्ष हमारे बहुत ही एकदम प्रॉपर दक्ष के रूप में आपको दिखेंगे जो कि विवाह कर रहे हैं। उसके अलावा नंदी मिलेंगे आपको, प्रसूति मिलेगी, बहुत सारे और कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं और वो बहुत ही उत्साहित है जो है यहाँ पे आके करने के लिए। वो अकेले ही नहीं आ रहे, आपको पता है पूरा परिवार उनका आ रहा है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। सच के साथ।